दोस्तों ये देख लीजिए, तो ये जो स्टेन है ना ये मशीन में डालने के बाद में नहीं दिखेंगे। आप किस तरह से ड्राई क्लीनिंग करते हो ना वो आपको पता है, और ये वीडियो है ना स्पेशली लॉन्ड्री ओनर्स के लिए, तो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो अभी ड्राई ही इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, ये फूड का ही स्टेन होगा, तो चलो अभी इसके ऊपर पहले तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए मैंने क्या सॉल्यूशन बनाया है, फिर उसके बाद में इसको हम अप्लाई करें। तो मैं एक कलरफुल कपड़ों के लिए एक स्टेन क्लीनिंग का सॉल्यूशन मैं बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैंने इंग्रेडिएंट लिया है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये 5% वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है, ये है प्यूरेला लिक्विड जो मैंने ऑनलाइन लिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऑनलाइन बाय लिंक है, ये सोडा एश है, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, बट इंडस्ट्रियल केमिकल पे ये मिल जाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल शॉप में सोडा एश मिलता है, 1-2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3, और ये है ऑक्सी ब्लीच। ऑक्सी ब्लीच मतलब ये इस तरह से दानेदार है, ये ऑक्सी ब्लीच है दोस्तों, और ये रेडलिन कंपनी का है मेरे पास ऑक्सी ब्लीच, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा शायद, बहुत दिनों से था मेरे पास, तो अभी इनका एक कॉकटेल बनाएंगे जो कलरफुल कपड़ों के स्टेन निकालने के लिए मुझे यूज़फुल रहेगा, तो चलो बनाते हैं इसे अभी। और ये प्रोसेस करने से कम 1-1.5 घंटा पहले आपको करना है, बनाना है, क्योंकि ये है ना ये थोड़ा सा डिजॉल्व होने में इसको टाइम लगता है ऑक्सी ब्लीच को। ये हो गया आपका ऑक्सी ब्लीच, उसके बाद में ये सोडा एच। ऑक्सी ब्लीच जो है ना वो दानेदार है, ओके, और ये है सोडा एच। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो ये मैं यूज कर रहा हूं, और ये है प्यूरेला लिक्विड। तो इसको अच्छे से पेस्ट बनने देते हैं और फिर इसको यूज करेंगे दोस्तों, ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। देखो ये है ना थोड़ा सा गरम गरम लगने लगा है हाथों को, ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो थोड़ा सा हाथों को गरम लगने लगा है दोस्तों। ये रेडलिन कंपनी का ऑक्सी ब्लीच है, ये जो आपने सॉल्यूशन किस तरह से मैंने बनाया है ना वो अभी 1 घंटे के बाद में कुछ इस तरह से हो गया है, ओके, तो अभी मैं इसको जहां जहां पे स्टेन है ना वहां पे ये मैं अप्लाई करने वाला हूं। और ये वीडियो है ड्राई क्लीनिंग वालों के लिए, लॉन्ड्री बिजनेस जिनका ऑलरेडी है ना उनके लिए यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मैं ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं सिर्फ स्टेन क्लीनिंग का जो मेरा मेथड होता है ना प्राइमरी मेथड वो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी इसको कैसे आप ड्राई क्लीनिंग करते हो ये तो लॉन्ड्री ओनर्स को ही पता है। Thank you.
अगर ये प्रोसेस करने के बाद में भी अगर किसी से कलर डैमेज होता है ना, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मुझसे कुछ डैमेज भी नहीं हो रहा है। बट अगर कोई करेगा तो शायद डैमेज अगर होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि सभी तरह के ब्लेजर्स पे हम ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। इसको मैं मशीन में डालूंगा। आप अपनी मेथड से इसको ड्राई क्लीनिंग अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी मेथड से करूंगा इसको ड्राई क्लीनिंग। तो इसको मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट रखता हूं ऐसे, फिर आगे का काम करेंगे दोस्तों। इसको मैं डालूंगा अभी मशीन में। आप चाहो तो जहां जहां पे आपने सॉल्यूशन लगाया है ना, उसको ब्रश से स्क्रब भी कर सकते हो। तो बस अभी इसको डालते हैं मशीन में और 5 मिनट मशीन में घुमाऊंगा। और इसमें मैंने क्या मटेरियल डाला है ना, मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिए, 100 से ज़्यादा वीडियोस होंगी कि इसमें मैंने क्या मटेरियल डाला है, वो डिटेल में मैंने बताया होता है। ओके, तो मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाए हैं पहले से। तो अभी इसको 5 मिनट तक घूमने देते हैं और मैं आपको अभी ये पूरी प्रोसेस होने के बाद मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ स्टेन गए या नहीं गए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं रेगुलर नहीं बनाता हूँ, काफ़ी हेडेक लगता है। इतना सारा काम छोड़ के एक वीडियो बनाना, ओके, तो ये इतना सारा काम छोड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद में ये काम होगा। और ये भी वीडियो है, इसकी भी वीडियो बनेगी और उसमें ये केमिकल वापस से मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे एफर्ट के लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कॉमेंट कीजिए। कमेंट मतलब मोटिवेशनल कमेंट कीजिए कि मुझे अच्छा लगे कि इस तरह की वीडियोस में और ज़्यादा बना पाऊँ। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा था कोट, तो देख लीजिए, इसको जस्ट मैंने हाइड्रो से निकाला है। ये कुछ तो मैं ड्राई होने के बाद में भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों ये ब्लेजर ड्राई क्लीनिंग हो गया है अच्छे से और 100% स्टेन रिमूव हो गए हैं। बट मैंने जो ये केमिकल यूज़ किया है ना, वो सभी कपड़ों पे चलेगा और सभी कपड़ों के स्टेन जाएंगे, ऐसी मुझे कोई भी गारंटी नहीं है। बट मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर कुछ मुझे कॉम्प्लिकेटेड स्टेन वगैरह मिले ना कपड़ों पे, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, एटलीस्ट थोड़े बहुत स्टेन कम कर सकता हूँ या फिर इस ब्लेजर के जैसे 100% स्टेन रिमूव भी कर सकता हूँ। बट मुझे भी गारंटी नहीं होती अगर मैं कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो आप अगर करेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो बस यही है, ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो मैं डेली लॉन्ड्री बिजनेस में यूज़ करता हूँ, तो उनकी ऑनलाइन बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके चेक कीजिए और बाय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।